हाथ में ही है। जब मनुष्य इस संसार में आ जाता है उसी समय उसकी मृत्यु का दिन जो है निश्चित हो जाता है कि इस दिन अमुक व्यक्ति ने संसार को छोड़कर के बैकुंठ धाम को चले जाना है। जैसे जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसा वैसा उसे दोबारा जो है जन्म प्राप्त होता है या वैसे उसे गति प्राप्त होती है। माता जी का स्वरूप देख के ही पता चलता है कि कितने दयावान और प्रेम से परिपूर्ण आत्मा थी। सबसे प्रेम करना, सबका आदर करना और सबसे प्रेम भरी दृष्टि रखना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, यही माता जी के कर्म थे। और कभी भी किसी का दिल जो है माता जी ने नहीं दुखाया, ऐसा उनके स्वरूप को देख करके लगता है। मनुष्य का जैसा स्वरूप होता है उसी से उसके कर्मों का पता चल जाता है कि ये मनुष्य स्वभाव से कैसे होगा। तो उसी प्रकार से माता कुछ भजन कर लिए एक साथ जाएगा, गया अब सर ना तेरे फिर ये हर किस हाथ आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अच्छी संगत जो है करने को मिलती है माँ भवानी की, माँ चिंतपूर्णी की अनुकंपमान कृपा इस परिवार पर और माता जी पर भी। इनके सुपुत्र जिंदर पाठक जी और उनकी धर्मपत्नी किरण पाठक जी, विवेक पाठक जी, उनकी धर्मपत्नी रुचि पाठक जी और उनके परिवार आगे जो है अपना जीवन यापन करी और सभी पूर्वजों की सभी मित्रों का आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे। हमारे माननीय डॉक्टर जवाहर धीर जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो ही आकर के परिवार के लिए कुछ शब्द कहे। सैर करने सैर गुलशन कर चले, संभाल अपना बार माली हम तो अपने घर चले। अचानक अमेरिका के में रहते अपने पुत्र ज्ञानेंद्र के पास पूज्य माता जी हमारी बहन संतोष रानी जी पाठक ऐसे चली गई जैसे कोई जाता नहीं। क्षण भर में ही उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। सब घर के लोग देखते रह गए, यानी माता जी का जाना इतना आकस्मिक था कि किसी को यकीन नहीं हुआ। पंडित जी बहुत ही आदरणीय भाइयों बहनों माताओं, आज हम उस श्रीमती को श्रद्धा सुमन कह रहे हैं जिनके साथ हमें अपना श्रीमती संतोष पाठक जी जो मेरे चाची जी और दोनों भाई नरेंद्र और वीर जी एक ही बंदे पे रहते थे वहीं रह रहे हैं और बड़ा ही मिलन परिवार एक दूसरे के साथ जो इन्होंने हमें प्यार दिया वो हम कभी भुला नहीं सकते। और ऐसा परिवार जो हमेशा जैसे डॉक्टर दुर्गा देवी जी ने बताया कि था बैठे सारी संगत बहुत ही बधाई समा होगा माँ का कहना क्योंकि माँ संसार की कहनी है
परिवार की परवरिश परिवार में संस्कार के बाणी दिखती है। माँ तो बिना ना भावे इन्ना मर्जी बच्चा सियाना हो गए परिवार की गाइडलाइन तो बिना वो अपने आप को दूरा समझा। पाठक परिवार ने बड़ी मेहनत करके इतने भी पेशा में भी नाम कमाया, समाज की सेवा करके नाम कमाया। आज जो माँ सब तो बिछड़ गई है उन्होंने पास सारे शादा के बड़े बेटे बनाए हैं क्योंकि जाना सब ही हैं जेडी तके भी तक जाते हैं सभी महान भाई लोग हैं। आज दुख का दिन है, माँ को याद किया जा रहा है। पाठक परिवार कि तो वो बहु बनकर आए, माँ बनी, एक फुलवारी पैदा की, नाम भी परिवार ने सोच समझ के ही रखा जैसा कि ईश्वर की तरफ से कृपा बनी रही। इसमें कोई शक नहीं है, अगर फोटो भी देखें। लेकिन कई बार मैं घर आया हूँ राजीवी के पंडित जी के तो माँ को मिलने आता, वो मुझे अपना बेटा मानते थे। मैं आज अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने आया। मैं माँ चिंतपुर्णी की तरफ से, अपने पुजारी वर्ग की तरफ से माँ चिंतपुर्णी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ उनकी आत्मा को शांति दे। और ये मेरे बड़ी बाजी और राजे बाजी है, इनको इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये दोनों सफल बेटे हैं जिन्होंने एक बार बंटी बाजी ने मुझे कहा था, अमेरिका में मेरे साथ बात होती थी, मैं इनके हाथी में बढ़ता था और शरणे त्रम्बी के गोरी नारा यानी मुगलत है माँ उनकी आत्माओं को शांति दे और जो भी परिवार है उनको सुख दुख में सहने की उनकी शक्ति दे। जय माता तक पहुंचा दिए जाएंगे या जाते हुए ले जाएंगे। और इस बीच श्री पंडित विजय कुमार जी ने गंधम स्वर्ग आज दिग्नि सिंधिका धाम नमो मंत्र आवता हूँ अचनाम स्वर्ग आज उन दिग्नि सिंधिका धाम नमो मंत्र आते पहुँचता हूँ कुछ पकड़ाने स्वर्ग आज उन दिग्नि सिंधिका धाम नमो मंत्र आते पहुँचता सज्जनों के अब गुण वंशी वाला दूर करी ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख भी फल पावे दुख बिरसी मन का स्वामी दुख बिरसी मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसके स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न कोई प्रभु बिन और न दूर पूर्णमेव शिष्यते। Thank you.
यदा पुष्पं समर्पयामि श्री मातृचरणकमले भो नमो नमः वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं
वंदे शिवम शंकरम। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन्द्रियं वा मानसं वा प्राणं वेदम वेदं वा सर्ववेद समस्वरं। जय जय करुणावधि श्री महादेव शंभो। कर्तूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं। आना और जाना उस प्रभु के हाथ में ही है। जब मनुष्य इस संसार में आ जाता है उसी समय उसकी मृत्यु का दिन जो है निश्चित हो जाता है कि इस दिन अमुक व्यक्ति ने संसार को छोड़कर के वैकुंठ धाम को चले जाना है। जैसे जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसा वैसा उसे दोबारा जो है जन्म प्राप्त होता है या वैसे उसे गति प्राप्त होती है। माता जी का स्वरूप देख करके ही पता चलता है कि कितने दयावान और प्रेम से परिपूर्ण आत्मा थी। सबसे प्रेम करना, सबका आदर करना और सबसे प्रेम भरी दृष्टि रखना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, यही माता जी के कर्म थे। और कभी भी किसी का दिल जो है माता जी ने नहीं दुखाया, ऐसा उनके स्वरूप को देख करके लगता है। मनुष्य का जैसा स्वरूप होता है उसी से उसके कर्मों का पता चल जाता है कि ये मनुष्य स्वभाव से कैसे होगा। तो उसी प्रकार से माता जी को देख करके ही लगता है कि माता जी का जीवन बड़ा ही सुखमय और सबका प्रेम माता जी को प्राप्त हुआ। क्योंकि जितना प्रेम मनुष्य खुद किसी को देता है उतना ही प्रेम उसे प्राप्त होता है। जैसा भाव अपना होगा वैसा ही भाव दूसरों से प्राप्त होगा। संसार की बड़ी भारी विडंबना है कि मनुष्य ये संसार में आता है और जैसे जैसे कर्म करता है उन सब कर्मों को करके अंत में जो है उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में लिखा गया है और गरुड़ प्राण के बीच में भी बताया गया है कि कैसे कैसे कर्म करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है और किन किन कर्मों से जो है मनुष्य को बचना चाहिए, ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनको मनुष्य ना करे ताकि उसे बाद में नरकगामी ना होना पड़े। गरुड़ पुराण के बीच में प्रथम अध्यायों में सारा वृत्तांत बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करके मनुष्य नरकगामी होता है। और फिर बाद में अंत में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करके मनुष्य स्वर्गगामी और वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी का पौधा घर में रखना, शालिग्राम भगवान की नित्य पूजा करना, तीर्थों पर जाना और भगवान की भक्ति करना, जितना भी आप कर्म करो वो सब हरि के चरणों में समर्पण करना, ऐसा भाव लेकर के जो जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार का जीवन इस संसारिक मनुष्य को भोगना चाहिए। जब मनुष्य का जन्म हुआ तो भगवान ने गर्भ के बीच में ही कई प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान करवाते हुए उस गर्भ में पड़े हुए प्राणी से कहा कि जब तू इस संसार में आएगा और जब इस संसार में जाकर के जन्म लेगा तब तुम्हें अपने तार्क के उपाय करने हैं। मेरा ये शरीर किस प्रकार से तर जाए, किस प्रकार से इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसे तुम्हें उपाय करने हैं। और जीवन यापन करते हुए संसार से वैराग्य को धारण करके, संसार से अपने मनोवृत्ति को हटा करके, अपने मन को हटा करके हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपना जीवन यापन करना है। और बारंबार नित्य प्रति भाव से, श्रद्धा से
और भक्ति से हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपना जीवन यापन करते हुए जिस भाव के लिए आपको ये जन्म होने जा रहा है, आपको ये जन्म मिलने जा रहा है, उस भाव को सफल बनाना है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति जो है इस मनुष्य शरीर को पाकर के करवानी है। 84 लाख योनियां हैं और अंत में सबसे अंत में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और उसी के द्वारा जो है उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। 84 लाख योनियों में अन्य जो कोई भी जन्म होते हैं वो सब अपने भूख प्यास को मिटाने के लिए सभी लगे रहते हैं। जीव जंतु हैं सब भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं और अपने पेट की तृप्ति के लिए जो घूमते रहते हैं, लेकिन मनुष्य के बीच में भगवान ने कई प्रकार की सुविधाएं जो प्रदान की, देखने की, सुनने की, समुचित और अनुचित का अच्छी तरह से निरीक्षण करके अपने जीवन का उद्धार जो है कर सकता है। लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव से और सांसारिक मोह माया में पड़ करके मनुष्य ये भूल जाता है कि किसके लिए, किस भाव के लिए मेरा जो है इस संसार में जन्म हुआ है और किस भाव के कारण मैं आज इस संसार में आया हूँ और बुरे कर्मों में पड़ करके नित्य प्रति बुरे आचरण करता है और उसी के द्वारा नरक गामी होता है, ऐसा सारा वृत्तांत जो है गरुड़ पुराण के बीच में लिखा गया है। भगवान कहते हैं कि कलयुग के बीच में आयु बहुत ही थोड़ी है और वो भी तुमने सारी बुरे कर्मों को करने में व्यतीत कर दी, ना ही कभी हरि का सुमिरन किया और ना ही कभी दया भाव रखा और ना ही कभी दान भाव रखा, इसी तो फिर क्यों पाप करता है जो सब सुखों का दाता है, उसे क्यों नहीं सुमरता है जो सब सुखों का दाता है, उसे क्यों नहीं सुमरता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। एक समय था ऐसा तो माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे और पांव के ऊपर 9 महीने लटका। एक समय था ऐसा तो माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे और पांव के ऊपर 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको पाप करता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण वालों का, सभी संबंधियों का और रिश्तेदारों का और सभी जान पहचान वालों का सबसे पहला कर्म यहाँ पर आने का यही है कि यहाँ पर बैठ करके हरि के चरणों का ध्यान बार बार करते रहे, उनके नामों का उच्चारण करते रहे ताकि गए हुए प्राणी की उत्तम गति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कहता है मेरा मेरी, करता है मेरा फेरी, बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान तेरी। करता है मेरा मेरी, करता है मेरा फेरी, बूढ़ा हो जा है तन की खूब सफाई और मन में नाक बुराई, जीवन है गंदा अपरा और निंदा करे पराई। जो फल मिलता है करनी का फिर ठंडे श्वास भरता है, जो फल मिलता है
कर्मों का फिर ठंडे स्वा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बस एकमात्र हरि का चरणों का ध्यान करके ही मनुष्य इस संसार को छोड़कर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा कोई भी उपाय इस संसार में नहीं है जो मनुष्य को वैकुंठ धाम में पहुंचा सके, मोक्ष की प्राप्ति करवा सके। और जैसे जैसे कर्मों को करके मनुष्य जाता है, उन्हीं कर्मों का फल जब उसे भोगना पड़ता है, उसमें फिर कोई भी पक्षपात नहीं होता। जैसे जैसे कर्म किए हों, उन सब का फल उसे भोगना ही पड़ता है। बने जो कुछ भजन कर ले साथ जाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले साथ जाएगा। गया अब सर न तेरे फिर ये हर विष हाथ आएगा, गया अब सर न तेरे फिर ये हर विष हाथ आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दीवाना बन के दुनिया में समय मोल खोता है, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तो पाएगा, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तो पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे ठिकाने पर जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ गए धर दबाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा तो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अब सर न तेरे फिर ये हर किस हाथ आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जो आता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु हुआ प्राणी जो उत्तम गति को प्राप्त करता है। माता जी का स्वभाव और माता जी का चरित्र बड़ा ही उत्तम था। माता जी ने बड़े ही अच्छे अच्छे कर्म किए अपने इस जीवन काल में, और जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तभी अच्छे पुरुषों का मेल जो है संसार में संभव हो पाता है। अच्छे पुरुषों की संगति तभी मिलती है जब मनुष्य के अपने आप के कर्म जो है अच्छे हो। जब माता जी की मृत्यु हुई और इस संसार को छोड़कर के हरिचरणों में लीन हुए, और जब
भारत देश में यहाँ पर आकर के उनका संस्कार किया गया, तो हमारे परमादरणीय चिंतपूर्णी दरबार से छिंदा पंडित जी, रविंद्र कालिया जी यहाँ पर जो विद्यमान है आए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने माता जी को चुनरी जो है प्रदान, अच्छी संगत जो है करने को मिलती है। माँ भवानी की, माँ चिंतपूर्णी की अनुकंपमान कृपा इस परिवार पर और माता जी पत्नी, इनके सुपुत्र जिंदर पाठक जी और उनकी धर्मपत्नी किरण पाठक जी, विवेक पाठक जी, उनकी धर्मपत्नी रुचि पाठक जी और उनके परिवार आगे जो है अपना जीवन यापन करी और सभी पूर्वजों की सभी मित्रों का आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे हैं। हमारे माननीय डॉक्टर जवाहर धीर जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो भी आकर के परिवार के लिए कुछ शब्द कहें। सैर करने सैर गुलशन कर चले, संभाल अपना बाग माली, हम तो अपने घर चले। अचानक अमेरिका के में रहते अपने पुत्र ज्ञानेंद्र के पास पूज्य माता जी हमारी बहन संतोष रानी जी पाठक ऐसे चली गई जैसे कोई जाता नहीं। क्षण भर में ही उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। सब घर के लोग देखते रह गए, यानी माता जी का जाना इतना आकस्मिक था कि किसी को यकीन नहीं हुआ। सच तो ये है कि इस संसार में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मृत्यु साथ ही लिखी जाती है। तब भगवान कहते हैं कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, तुझे इस संसार में भेज दिया, अब तू जा और वहां जाकर कर्म कर, और कर्म करने के बाद जितना जीवन तुझे दिया है उसे भोग कर फिर से मेरे पास लौटा। उस आने और जाने के बीच का जो समय है वो हमारी जिंदगी कहलाती है। उस प्राणी के जीवन से जुड़ा हुआ है कि उसने साल जिया। धर्म और कर्म के बीच ये पूरा संसार चलता है और माता जी धर्म भी उन्होंने किया, कर्म भी उन्होंने किया। अंतिम समय तक प्रभु की शरण में, प्रभु की लगन में वो रही। उनका नाता शुरू से ही बहुत धार्मिक था, लेकिन बाद में वो राधा माँ के साथ उनकी एक अनन्य सेविका के रूप में वो जुड़ गई और जीवन के अंत तक वो उनसे जुड़ी रही। ये सारा परिवार उनके प्रति आस्था रखता है, धार्मिक है। पिछले 30-40 वर्ष में मैंने देखा है विवेक और जैनेन्द्र के पिताजी देवेंद्र पाठक इस शहर की एक महान विभूति हुआ करते थे। 15 साल के लगभग हो गए वो भी ऐसे ही अचानक इस संसार से विदा दे गए थे और तब भी लोगों ने इस बात को याद किया था उनके अंतिम समारोह में, शरणागत समारोह में, कि पाठक परिवार अन्य एक ऐसा भक्त है माँ चिंतपूर्णी का, प्रभु का भक्त है जिन्होंने इस शहर में रहते हुए सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं सामाजिक रूप से भी खूब जीवन जिया है, अच्छा जीवन जिया है। तो उसी परिवार से जुड़े ये हमारे विवेक और जनेंद्र आज धर्म पथ पर चल रहे हैं। परिवार के लोग, हमारी बहनें, हमारे बच्चे बहुत धार्मिक हैं। जो विरासत को छोड़ कर गई हैं, मैं परसों विवेक और जनेंद्र के पास बैठा था, माता जी की बातें होने लगी, कहने लगे कि 2001 में जब पिताजी गए थे
तब हमारे सिर से साया उठ गया था पिता का। तब हम सोचते थे ये भरपूर जिम्मेवारियां हम कैसे निभाएंगे, लेकिन श्रीमती संतोष पाठक इनकी माता जी वो इनके लिए माँ भी बनी और पिता भी बने। उन्होंने वो जिम्मेवारियां बहुत सरल और सरस तरीके से निभाई। मुझे बता रहे थे कि वो जीवन में इतनी सबर वाली औरत थी, जैसा नाम प्रभु की ओर से उन्हें संतोष मिला उतने ही संतोषी भी थी। कभी गुस्सा नहीं, हंसते रहना, हर एक से प्यार करना, हर एक को धर्ममार्ग पर चलने की प्रेरणा देना उनके जीवन का उद्देश्य था। इतनी कहानियां उनके जीवन से जुड़ी इन्होंने मुझे सुनाई, मैं खुद हैरान था कि एक प्राणी इस संसार में एक साथ इतने दायित्वों को कैसे निभाता है। लेकिन जो आत्माएं शुद्ध आत्माएं मैं कहूंगा परमात्मा की ओर से धर्म कार्य के लिए भेजी जाती हैं, वो निश्चित रूप से हर प्रकार का दायित्व निभा लेती हैं। 27 मई को जैसा मैंने पहले कहा अमेरिका में उस दिन 26 मई था, यहाँ 27 मई था। यहाँ समाचार मिला कि माता जी नहीं रही, तो घर के सभी लोग शोकाकुल हो गए। अचानक 28 की सुबह सवेरे विवेक बता रहे थे कि हम 26-27 को हम ये सोच रहे थे कि माता जी का संस्कार का क्या करना है। तब आदेश हुआ, क्योंकि माता जी कहती थी कि जब भी मैं जाऊं इस संसार से मेरी अंतिम रस्म में हर प्रकार की तो मेरी देश की मेरे शहर की मिट्टी में हूं, मेरी अस्थियां गंगा में बहा दी जाए। और जैनेन्द्र ने विवेक और सभी के साथ बलबीर जी उनके दादा जी उनके साथ सारी बात हुई, परिवार के लोगों ने आपस में सलाह की, उनकी देह को यहाँ लाया गया और हमने पिछले सोमवार को अंतिम रस्में आप लोगों की मौजूदगी में पूरी होती हुई देखी। तो सिर्फ एक बात मैं और कहूंगा कि माँ राधे के प्रति भले ही किसी की किसी में आस्था हो, आस्था होना बहुत बड़ी बात है। जो आस्थाहीन व्यक्ति होते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते। आपकी आस्था है चाहे किसी में भी हो, आस्था रखिए, यही वो सोचती थी। और उनके इनके परिवार की आस्था महाराष्ट्र में थी। और 28 तारीख को सुबह सवेरे लगभग 5-6 बजे के बीच की बात है, जब अचानक एक गाड़ियों का काफिला घर के आगे रुका, आवाज आई, देखा तो राधे माँ इनके घर के नीचे खड़ी थी साथ अपने कुछ साथियों के साथ। वो दिन भर यहाँ रही 2-4-6 घंटे। उन्होंने उन सब बातों को याद किया जो इस परिवार के साथ बिताई थी। परिवार के साथ बहुत स्नेह उनका है और रहा है। मैं कहने को बातें बहुत हैं इस परिवार के बारे में, माता जी के बारे में, लेकिन समय की पाबंदी रहती है हमारे यहाँ। तो मैं सबसे पहले भाई तेजस्वी भारद्वाज जी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि बरसों बरसों पुराना साथ इस परिवार के साथ, पड़ोसी का भी, भाइयों का भी पारिवारिक रिश्ता। तो तेजस्वी जी उनके मन के भाव में एक दो मिनट के लिए रखेंगे। तेजस्वी भारद्वाज जी,
आज हम उस गुरुजी को श्रद्धा सुमन कर रहे हैं जिनके साथ हमें अपना बचपन बिताया। श्रीमती संतोष पाठक जी जो कि मेरे चाची जी और दोनों भाई नरेंद्र और रघुवीर जी एक ही मंजे पे रहते थे, वहीं रह रहे हैं और बड़ा ही मिलन परिवार एक दूसरे के साथ जो इन्होंने हमें प्यार दिया वो हम कभी भुला नहीं सकते। और ऐसा परिवार जो हमेशा जैसे डॉक्टर दुर्गा जी ने बताया कि धार्मिक परिवार हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला। और चाचा जी महेंद्र जी जिन्होंने के सामाजिक सेवा में भी बहुत काम किया, राजनीति में बहुत काम किया, इस परिवार ने शहर में बहुत ही अच्छा नाम कमाया। और चाची जी जिनको आज श्रद्धा सुमन भेंट करने आए हैं उनकी तो बातें याद कर करके हम काफ़ी इस भाव से महसूस करते हैं। फिर भी उनकी बच्चों की जरूरत थी, पोते पोतियाँ परिवार सारा कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी माँ का जाना जरा बहुत ही दुखदायी होता है। माँ तो माँ होती है, चाहे आपकी कितना भी उम्र दराज हो जाए, कितनी भी उम्र रह जाए, लेकिन माँ के बगैर बच्चे का जो जब भी माँ की याद आएगी तो उनके मन में कर्म छूट रहेगी। मैं अपनी तरफ से चाची जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी विभूति को अपने चरणों में निवास दे और परिवार को शक्ति दे। जय श्री राम, जय राम। मैं हमारे बीच में सरदार सरगुण सिंह जी को ला जो इस परिवार के बहुत निकटतम साथियों में से हैं, इस नगर के बहुत बड़े मैं समाज सेवक हूँ गए ने नेता की बजाय श्री सरवन सिंह जी को लाम बहुत ही समा होगा माँ का जगह क्योंकि माँ संसार की कहनी है परिवार की परवरिश परिवार में संस्कार के माही दिखती है। माँ को बिना ना भावें इन्ना मर्जी बच्चा सियाना हो गए और माँ की गाइडलाइन तो बिना वो अपने आप को दूरा समझा। पाठक परिवार ने बड़ी मेहनत करके एक पेशा में भी नाम कमाया, समाज की सेवा करके नाम कमाया। आज वो माँ सब तो बिछड़ गई है, उन्होंने आप सारे शादा के बड़े बेटे बनाए हैं क्योंकि जाने सामने हैं जेडे चंगे पिछले जाते हैं समाज में नामना करते हैं उन्होंने प्रभाव करते हैं। तो पाठक परिवार की बहुत बड़ी देन है। मैं अपने वालों अपने पार्टी वालों पिछले पाठ परिवार इसी तरह वधिया समाज उचर दिया मान सत्कार मिले। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की खुद आए थे पाठक परिवार के घर में शोक प्रकट करने के लिए। उन्हें जब पता चला उसी दिन वो शाम को आ गए, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच हमारे इस शहर के सरदार योगेंद्र सिंह जी महान पूर्व कैबिनेट मंत्री तो हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो विश्व आत्मा को श्रद्धा सुमन भेंट करें। मेरे भाई सरदार योगेंद्र सिंह जी महान जी और शोक प्रसाद संघ जीव जी सर्वासी माता संतोष राणी पाठ की जात में जो बैठे शब यात्रा सी इस देवी का संस्कार सी मैं उस दिन भी हाजिर हुआ सी। एक साल पहले मुझे याद है जदों नामधारी माता चांदपुर का देहांत होया उसमें संस्कार सीलन मुख्यमंत्री पंजाब ने हुए सी
कीर्तन हो रहे हासिल तो शब्द श्री कृष्ण जी बारे और उन्होंने माता बारे कायम हो रहा सी क्लासिकल राग में धन धन और आमीन आके मदद मदद को हम आना गाजे तान तान को माता देखी जय गैर भैया कमलापति माता जी की तान है जिसकी मुख बेच विष्णु को मान विष्णु रूप होकर प्रकट हुए पैदा हूं इतनी शोभा है माता जी गुरु नानक भगवान राम श्री कृष्ण उस माता की सुंदर भूख ने गुरुआ ज्ञान पिछले पोते साधन कृष्ण गुरद्वारा फादर द बोक्सी उन्होंने वालों भी शोक स्नेहा मैं आप जी सामने पाठ प्रभाव के चरण पेश कर रहे एक शब्द गुरु तेग बहादुर साहब ने कीर्तन बोले ऐसी जगह हाल में है राग जय जयंती डॉक्टर साहब की लगा बीजय जन्म काजे नित संके प्राण समझता समझत नारे अजान काल को पहुंचवान कहां जय भावे ये मनुखी हम बड़ा कीमती जीवन अजाई जा रहे हैं और इंसान सब कुछ पढ़ता है प्राण कर्म ग्रंथ वेद लेकिन इसमें इसका भी समझ लगी कि मौत ने विष्णु आके ले जाना बाणी जिक्र है जो जो तेरा हुक्म तेरे ते मोमना जय जय रखे आप तय जाए प्रोग माता जी की मौत की कहानी उन्होंने परिवार की सुनाने मेरे जी दोस्त सरपासी सुंदर पाठक जी का जिक्र हो रहा है बड़े लंबे समय तो मैं सन 85 बरस के आया कुछ ऐसे सदी सन जिन्होंने बहुत नजदीकी प्यार और बापू जी इस परिवार के नाल मेरा संबंध है मेरा रिश्ता है जिस दिन शव यात्रा थी उस दिन भी चेचा स्नेहा सज्जन बैठे ने कुंभी जी बैठे ने काका प्रभाकर बेड़ी का मैसेज रात भी जरूरी मैसेज माता जी की इच्छा के मुताबिक उन्होंने एक जो सीर खीर यात्रा सी उस दिया रस्म पाठ भूमि फुवाड़े शमशान पाठ के उन्होंने जन्म दिता सी और बेटिया ने बापू भी उसमें दबाया बहुत अच्छे तरीके के नाम जो मेरी सोच है जिस तरह हमें जिक्र हो रहा है डॉक्टर साहब राधे माता जी कर रहे थी भगवान शिव जी का जिक्र कर रहे थे मैं ये समझना ये सीर के अंदर पंजा दंता भी है पंडित जी पंजा दंता लेकिन एक छेवा तत्व है डॉक्टर साहब का जिसकी मौत ने दी वो है आत्मा उस आत्मा का सफर है उस परमात्मा तक उस परम आत्मा तक लेकिन जी आत्मा उस मार्ग से जुड़िया ने वो अपना सब इस पूरा करके शब्द है सेव की प्रीत जीवित सहज सेव अपना चलते रहते जी जाते जाते उस अपने गुरु को उस परम गुरु को बुला के इस जन्म चक्र अपने आप को खत्म करके सदीवी सूरज जगत मेरे दिल का जन्म हुआ नाम जो कि जोत रही सुकून दिया मेरा शब्दा नाम और पिछली आत्मा के चरना शब्द शुक्र करता अरदास करता माता जी के पिता जी के शानदार संस्कार ने जी शानदार संस्कृति जी है एक दो दिन बच्चों के हमेशा रहे और इस समाज एक बच्चे की भगवान समाज की सेवा करता रहे
बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं वो पढ़ूं, मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच बहन संतोष चौधरी हैं जो भारत सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, वो इस परिवार के साथ उनका बहुत पुराना स्नेह है, संबंध है, कांग्रेस पार्टी के नाते भी, सामाजिक नाते भी। मैं अनुरोध करूंगा वो भी आए और चंद शब्दों में अपने शरद सुमन कहें। बहन संतोष चौधरी सभी महान लोग हैं। आज दुख का दिन है, माँ को याद किया जा रहा है, पाठक परिवार कि तो वो बहू बनकर आई, माँ बनी, एक फुलवारी पैदा की, नाम भी परिवार ने सोच समझ के ही रखा, जैसा कि ईश्वर की तरफ से कृपा बनी रही। इसमें कोई शक नहीं है, अगर फोटो भी देखें संतोष जी की तो लग रहा है कि मुस्करा रही है, क्योंकि उनकी जो खुलवती थी, जो भगवान ने उन्हें धार्मिक कामों में, सामाजिक कामों में, सामाजिक इसीलिए हो जाता है कि जब परिवार कोई भी समाज की सेवा करता है तो वो अकेले में नहीं कर सकता जब तक कि धर्म पत्नी का साथ ना हो। और वो इस परिवार में जब बहू बन कर आई तो परिवार ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ तरक्की की। आज वही बच्चे उनके अपनी माँ को लेकर बाहर कितनी खुशी और कितनी प्रसन्नता से रहते हैं, मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं माँ भी और माँ की ममता का एहसास लिए। लेकिन जैसा कि कहा गया है, धर्म पुराण में कहा, पंडित जी ने अपने शब्दों में यही बताया और रोज सुनते भी हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसने वो ईश्वर की इच्छा अनुसार ही आया है और ईश्वर की इच्छा अनुसार ही जा रहा है। आने से पहले ही मौत का स्थान निर्धारित कर दिया जाता है, समय निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन भगवान ने अपने पास भी कुछ रखा है, कारण कोई भी बना देता है। कहाँ ये लिखा था कि वहां पर जाकर चाहे वो चाहती भी कि मैं मेरे अंतिम समय के समय मैं यहाँ पर हूँ हिंदुस्तान में या फटवाड़ा में हूँ करते, वो लिखा ही वहां था, बच्चों के पास लिखा था। और वो बच्चे अपने मन में उस समय क्या कुछ सोचते होंगे कि बाकी परिवार के सदस्य उन्हें क्या कहेंगे कि वहाँ माँ ईश्वर को जैन हो गए। लेकिन धन्य है बच्चे भी, विवेक और बताया था दूसरे बच्चे का नाम, और ये बच्चे जो उन्होंने एक माता पिता ने फुलवारी तैयार की थी, क्या सोच के और क्या स्वप्न लेते हैं माँ बाप उस समय कि तरक्की करें बच्चे, सफलता की सीढ़ी पर चलते रहें, नाम रोशन करें माँ बाप का भी और उस जगह का भी, उस परिवार का भी। और ये बच्चे उसी तरीके से माँ के स्वप्न को अवश्य ही पूरा करते रहेंगे, निभाएंगे जो कुछ उन्होंने चाहा, मिलजुल कर रहेंगे और यहाँ पर जो अपना संबंध है भगवाड़े से वो हमेशा ही बना कर रखेंगे, क्योंकि ये एक परिवार है और इस
परिवार में नाम रोशन करना बच्चों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि माँ सब कुछ मिल सकता है, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ खरीद सकते हो, पर माँ वो नहीं खरीद सकते। वो एक ऐसी परमात्मा की विभूति मिली है, इसलिए मैं अपने परिवार की ओर से ईश्वर को यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बहन जहाँ भी हैं उनके आत्मा को शांति दे और परिवार को इतना बच्चों को ताकत दे कि ये दुख सहन करते करते वो उनका नाम इतना रोशन कर दे कि जैसे अभी बता रही है राधे माँ की बात बताई जा रही है, मैं भी राधे माँ जी को जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि जब ये बहुत ही उनके इतने नज़दीक थे तो उनके अंदर वो चीज़ वो प्यार जो हर व्यक्ति में नहीं हो सकता उस संतोष जी के पास था, वो जहाँ भी रहेगी परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। छत्तीस मार्च वेलफेयर सोसाइटी फरवाड़ा श्री विजय सांपला मन केंद्रीय मंत्री दोबा साहित्य कला अकादमी श्री सोम प्रकाश जी MLA फरवाड़ा नवयुग ड्रामाटिक क्लब रजिस्टर्ड हलियाबाग फरवाड़ा म्यूनिसिपल काउंसलर मनीष प्रभाकर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन श्री बालाजी सेवा संघ फरवाड़ा शिवसेना पंजाब विश्व बंधु काउंसिल शिव सेना बालाजी ठाकरे आदि के ये संदेश मिले हैं। मैं सभी का परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध करूँगा कि हमारे पास माँ चैतन्य के दरबार से हमारे बहुत ही पूजनीय पंडित जी छिंदा पंडित जी के नाम से प्रमुख पंडित हैं वहाँ पर दरबार में, वो इस परिवार के साथ दुख जो है आपका उसको घटाने के लिए मैं कहूँगा आए हैं। लेकिन कई बार मैं घर आया हूँ राजीवादी के पंडित जी के तो माँ को मिलने आता, वो मुझे अपना बेटा मानते थे, तो मैं आज अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने आया। मैं माँ चिंतपुर्णी की तरफ से अपने पुजारी वर्ग की तरफ से माँ चिंतपुर्णी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ उनकी आत्मा को शांति दे और ये मेरे पंडित बाजी और राजीवादी है इनको इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये दोनों सफल बेटे हैं जिन्होंने एक बार पंडित भाजी ने मुझे कहा था अमेरिका में मेरे साथ बात होती थी, मैं इनके हाजिर में करता था और इन्होंने हफ्ता भर पहले मुझे मम्मी जी से बात कराई और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है। मैंने राजनीति को फ़ोन किया कि फ़ोन पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ठीक है, तो बंटी जी के साथ वादा किया था माँ जी ने कि मैं हिंदुस्तान में मेरा संस्कार किया है और इतने सरबन बेटे पता नहीं कितना खर्चा होगा या क्या इन्होंने किया, लेकिन मैं बड़ा माँ ऐसे सरपुर बेटे इन्होंने सब कुछ माँ का आशीर्वाद ले लिया माँ पिता जी का, और ये चिंतपुर्णी माता के साथ ऐसे जुड़े हैं राधे माँ जी के साथ ऐसे जुड़े हैं इनकी टूट सकता है, और मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि अब भी इनका परिवार जो है वो ऐसे धर्म कर्म में जुड़ा रहे। जय माता। और मैं एक मंत्र बोलूँगा जो मेरी माँ के लिए, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ की आत्माओं को शांति दे और जो भी परिवार है उनको सुख दुख में सहने की पूरी शक्ति दे। जय माता। के परिवार की ओर से यहाँ परवाड़ा में बाला जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाला जी के इनके गांव का गुरुद्वारा है उनके लिए दान निकाला है। मैं अनुरोध करूंगा जिनके नाम लिए हैं वो परिवार से जाते हुए या बाद में उन तक पहुंचा दिए जाएंगे या जाते हुए ले जाएंगे। और इस बीच श्री पंडित विजय कुमार जी बिरला और विनायक ब्राह्मण सभा फिलौर का संदेश मिला है और पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि पूजा और आरती करें करते हैं, दो चार मिनट में ये आरती के बाद हम सभी यहाँ से रोशन लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
देवता 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 सदेवा देवता हृदय इंद्रो देवता वरुण देवता शांति 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 रापा शांति रोपदे शांति वनस्पति शांति सुदेवा शांति 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 साम शांति शांति ओम विश्वानि देवा हरता ठाकुर तुम मेरे
स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर चरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी, ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी का भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम जगाओ, शिव संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी हरे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, पूर्णा पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेव वशिष्यते, ओम शांति शांति। Gracias.